मैप में मार्किंग है स्मिति, मैप में मार्किंग है। थैंक यू चला जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जॉइन वेरी फास्ट। टेस्ट वॉज ऑसम सर, वेरी गुड विशाल। ब्लैक कॉफी आप लोग के लिए, ओके ब्लैक कॉफी नहीं पीते, ठीक है कोई बात नहीं। कोल्ड कॉफी बेटा कोरोना काल में कोल्ड कॉफी नहीं पीते बेटा, कोरोना काल में कोल्ड कॉफी नहीं पीते, कोई भी ठंडी चीज ना लो। साक्षी ने क्या कमेंट किया है? यस थैंक यू सो मच। चलो जाओ, मैं नोट्स खोल ले रहा हूँ, आप लोग भी अपना मैट सामने रखो, मैं नोट्स खोल ले रहा हूँ। थैंक यू चलो जाओ। कल वाला लॉकर टेस्ट दे देना, 1 घंटा का टेस्ट है एजेंसी, 4:15 से 5:30 और 4:15 से 5:15 टेस्ट होगा, 15 मिनट लगता है चेक करने में। और परसों सैटरडे 2:30 से 4:00 तक, 2 PM to 4 PM, 2 PM to 4 PM क्या होगा सैटरडे बेटा, 2 PM to 4 PM चार्जेस और डिपॉजिट्स, कंपनी लॉ डिपॉजिट्स एंड चार्जेस का टेस्ट है 2 PM to 4 PM सैटरडे। थैंक यू खुशी, वेलकम। तुम बेटा पहले इतना तो दो अनिकेत, अब परसों के बाद आप इस प्लेटफॉर्म पर मुझे नहीं देखेंगे, परसों विल बी द लास्ट राइट, आप मुझे देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर नहीं देखेंगे। करेक्ट आलोक, नहीं बुरा तो नहीं लगना चाहिए, जो मेरे बच्चे हैं उनको तो बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, है ना? करेक्ट। करेक्ट करेक्ट मौसम, करेक्ट साक्षी, आलोक, सृष्टिसा, मौसम, स्नेहा। चलो और एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, थैंक यू मनीष। करेक्ट मुदित, हाँ हाँ लास्ट में कॉल होगा। हाँ जी आ जाइए, ऑलरेडी नॉट अवेलेबल एनवायरमेंट बॉयज एंड गर्ल्स। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दो, जुलाई 21 जिसका एग्जाम हो चुका है, नवंबर 21 जिसका एग्जाम होने वाला है, नवंबर 21 आपका एग्जाम होने वाला है, आप लोग के लिए चैप्टर वैलिड है। मैं 22 वाला बच्चा ना देखे क्योंकि इंस्टीमैट में काफी अमेंडमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट मैट में काफी अमेंडमेंट्स हैं, काफी मतलब पूरा ही। तो अगर आप ये देख रहे हैं मई 22 में आपका एग्जाम है और आप ये लेक्चर देख रहे हैं ये वाला इस प्लेटफॉर्म पर, तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। ओके, व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स। ऑलरेडी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, थोड़ा थोड़ा आपको सीआईएस का फीलिंग आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा वही है, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, लास्ट टॉपिक हमने वही कंप्लीट किया था और सीधा अभी हम लोग उठ करके आ गए ऑलरेडी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अंदर। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, ये चैप्टर क्यों बाकी था, सीआईएस होने का वेट चल रहा था। सीआईएस इज कंप्लीट, सो हियर वी आर ऑलरेडी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट।
Let's set it boys and girls. Automated environment क्या होता है बेटा? Automated environment एक business environment होता है जहाँ पर सारा process automatic होता है. Automated environment एक ऐसा business environment है जहाँ पर जो processes है, business processes, operation, accounting and even decisions are carried out by using computer system. वापस से सुन लो, automated environment क्या हुआ? बहुत simple definition, एक ऐसा business environment जिसमें सारे के सारे processes, operations, including decision making, processes, operations and decision making are carried out by the help of computer systems. Processes, operations, accounting, processes, operations, accounting, even the business decisions are carried out using computer system, also known as information system. The computer systems are also known as information system. और आईटी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी सिस्टम भी बोलते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिटेड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. बड़ा सिंपल है. अब की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ए बचपन में कंप्यूटर का एडवांटेज पढ़ा था ना, वही है. फास्टर ऑपरेशंस होगा, इनेबल फास्टर ऑपरेशंस, टाइम सेविंग, लेस एरर, टाइम सेविंग होगा, लेस एरर होगा, कैन प्रोसेस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट वंस. ये देखो मजाक लग रहा है, मजाक नहीं है भाई, बेटर सिक्योरिटी, बेटर कंट्रोल, ठीक है. इनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, एक्यूरेसी रहेगा, गलती होने का चांस कम रहेगा, एक्यूरेसी रहेगा, प्रोसेसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. Business operation को integrate करता है उसमें, business operation को integrate करता है, better security and control, less prone to human errors, है ना? Provides latest information मिलता है, connecting and networking capability समझा रहा है, same information तुम online share कर सकता है, connect कर सकता है, and network अच्छा रहता है, networking capability. पढ़ो एक बार, definition पढ़ो और key features पढ़ो, फटाफट definition and key features, साथ साथ खत्म कर दो यार, याद करके, चार नंबर का chapter है, 4 marks chapter, खत्म कर दो मेरे साथ साथ. बातचीत मत करो, डेफिनेशन पढ़ो और की फीचर्स पढ़ो. बच्चा था एकदम. अब हम लोग जब ऑडिट करते हैं उसमें आईटी का क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑडिट. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑडिट? रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, आखिर क्या रेलेवेंस है आईटी का ऑडिट के अंदर? रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑडिट, जितना भी कैलकुलेशन होता है, हम लोग कैलकुलेशन के लिए तो कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे कि तुम रेफर करोगे, नहीं ना, जितना भी कैलकुलेशन होता है, कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली कैरिड आउट. जैसे अगर बैंक में डिपॉजिट्स है उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, बैंक इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन. और एक खास बात क्या आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा तो लेजर एंट्रीज आपको पास नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली पोस्टिंग होगा, जर्नल से ऑटोमेटिकली लेजर पोस्टिंग होगा, है ना, जर्नल से ऑटोमेटिकली लेजर पोस्टिंग होगा. रिपोर्ट्स आप सीधा जनरेट कर सकेंगे, रिपोर्ट बनाना नहीं होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट आप जनरेट कर सकेंगे. एंड कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन सा फीचर को कंट्रोल रहता है, विच यूजर्स कैन एक्सेस विच टाइप ऑफ फीचर्स, इट कैन बी कंट्रोल्ड. और देखा जा सकता है कि किसने एंट्री बदला. Accounting entries, अच्छा, relevance of IT audit क्या है? फिर से एक बार देखते हैं, relevance of IT audit क्या है? Computation and calculations are automatically carried out. Computation and calculations are automatically carried out. Accounting entries are posted automatically. Calculation automatically carried out. Accounting entries are posted automatically. Business policies and procedures जो है, business policies and procedures are applied automatically. Business policies and procedures are applied automatically. Report automatically generate होता है बाबा. User access and security जो है, user access and security को control रहता है, are controlled. Report जो है, automatically system generated report रहता है. User access and security जो है, control रहता है. User access and security are controlled. Clear? EIS की तरह है, EIS का तो बात ही मत करो यार, EIS तो अलग level पर पढ़ाई हो रहा है. EIS का तो अलग level पर पढ़ाई हो रहा है. जिन बच्चों को EIS नहीं समझ आ रहा मतलब भाई गड़बड़ है. EIS मतलब जबरदस्त too good. Risk and control in automated environment. प्रेम बोल रहा है कि हम सॉफ्टवेयर पर रिलाई कर सकते हैं. प्रेम बोल रहा है कि हम सॉफ्टवेयर पर रिलाई कर सकते हैं. ये जो तुम पढ़ रहे हो सॉफ्टवेयर ही तो है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुम पढ़ रहे हो.
हम लोग बोलते हैं ऐप है, ऐप है, ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप का फुल फॉर्म ही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। लेकिन बिल्कुल सही सवाल, कुछ रिस्क तो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, कुछ रिस्क तो है। हैक हो गया तो अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा हो जाएगा, अगर हैकिंग हो गया तो अनऑथराइज एक्सेस हो जाएगा ना डेटा का। बहुत बार सॉफ्टवेयर में बग्स हो जाता है, यानी इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग, तो उसके कारण इनकरेक्ट प्रोसेसिंग हो जाता है, बग्स के कारण इनकरेक्ट प्रोसेसिंग भी हो जाता है। किसी को अगर एक्सेसिव एक्सेस है तो मिसयूज भी कर सकता है। रिस्क एंड कंट्रोल क्या? देखो, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा है, क्या क्या इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सकता है? अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, डायरेक्ट डेटा चेंज, बैकएंड चेंज मतलब समझना था, हां सर बैकएंड चेंज समझना था, बैकएंड से कोई डेटा छेड़छाड़ कर दिया, वेरी गुड। एक्सेसिव एक्सेसिव एक्सेस मतलब समझना था, जो सुपर यूजर को दिया जाता है ज्यादा एक्सेस, वो कुछ भी कर सकता है, सुपर यूजर अपना ज्यादा एक्सेस को मिसयूज कर सकता है। और क्या क्या देखो, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सॉफ्टवेयर में ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अच्छे से नहीं हो सकता है। अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम, कोई सिस्टम प्रोग्राम चेंज कर दिया तब तो दिक्कत है। लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, ठीक है ना, एक बार कर लो। रेलेवेंस ऑफ आईटी ऑडिट को रीड करो, रिस्क एंड कंट्रोल को रीड करो, ये दोनों क्वेश्चन को रीड करो फटाफट। बोरिंग चैप्टर है, चार नंबर का बोरिंग चैप्टर है, ऑडिट खत्म हो चुका है, बोरिंग चैप्टर है, चार नंबर का खत्म करेंगे। वेरी सुन, वेरी सुन, इससे और जूम नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है, नहीं हो सकता, जरा पढ़ो, अब पढ़ो। चलो याद रखोगे, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। अभी जो तुमने आईटी का रिस्क मेरे को बताया कि सर आईटी में ये रिस्क है, आईटी में वो रिस्क है, तुमने बताया ना आईटी का रिस्क के बारे में, तो ये जो आईटी में इतने सारे रिस्क है इनका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क हम लोग का ऑडिट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा? आईटी का जो रिस्क है, आईटी का रिस्क को कंसीडर करके हम लोग अपना ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर इंपैक्ट तो समझना पड़ेगा कि हमारे ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इन सब रिस्क का। देखो भाई, अगर ये सब जो आईटी का रिस्क था अगर मिटिगेट नहीं हुआ, यानी सॉल्व नहीं हुआ, ये सब आईटी का रिस्क अगर मिटिगेट नहीं हुआ, तो देखो भाई हमारे ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स एंड इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। वी विल नॉट रिलाई ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। अगर आईटी का ये सब इतना सारा रिस्क था जो कि मिटिगेट नहीं हुआ, तो जो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के ऊपर हम लोग रिलाई नहीं करेंगे। जो सिस्टम का डेटा है, सिस्टम का रिपोर्ट है, एक एक चीज अच्छे से चेक करेंगे। सिस्टम डेटा रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, मोर ऑडिट एविडेंसेस विल बी नीडेड। तो इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट, क्वेश्चन क्या, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट, व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट, व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट। वी कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम, वी विल नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम। जो सिस्टम का डेटा है, रिपोर्ट है, उसको हम लोग को सब्सटेंटिवली चेक करना पड़ेगा फॉर कंप्लीट एक्यूरेसी एंड विल रिक्वायर मोर ऑडिट एविडेंसेस। कंट्रोल्स का अगर बात करें तो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, उसके ऊपर भी रिलाई नहीं करेंगे। वी कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, जो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। ठीक है, अरे आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल ही समझ आता, जो कर्मचारी इंप्लॉई मैनुअली काम किया है लेकिन डेटा कहां से लिया, आईटी से लिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया वो मैनुअली, उसके ऊपर भी रिलाई नहीं करेंगे। आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है,
फिर ये सेम पॉइंट यहाँ पर भी आपको रिपीट कर देना है, जो ये आपने पढ़ा था ये वाला यहाँ पर रिपीट कर देना है कि सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट को अच्छे से चेक करना फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी एंड मोर सब्सटेंटिव ऑडिट वर्क इज नीडेड, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएंगे। इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करेंगे भाई टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ पर ये सब आईटी का रिस्क है जो मिटिगेट नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्लियर रिपोर्ट तो नहीं देंगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट। इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग समझ आ गया, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट जो करो। ऑडिट मैंने तुम्हारे लिए मक्खन बना दिया है, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ऑडिट पढ़ाया ना, जान निकाल करके अच्छे से पढ़ो। हाँ लॉ ऑडिट दूं मैं, चलो मेरे बेशरम बच्चों अब आ जाओ। टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आ जाइए टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बेटा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो होता है ना उसमें तीन प्रकार का कंट्रोल होता है बेटा, जनरल कंट्रोल और एक होता है तुम्हारा एप्लीकेशन कंट्रोल और एक आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। पहले जनरल कंट्रोल, फिर एप्लीकेशन कंट्रोल, फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। ये जनरल कंट्रोल क्या होता है देखो, जनरल कंट्रोल मतलब क्या होता है सुनो, जनरल कंट्रोल मतलब ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट बनाता है। जनरल कंट्रोल मींस सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच आर मेड बाय द मैनेजमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्मूथ फंक्शन कर सके, उससे रिलेटेड कंट्रोल को हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल बोलते हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ताकि एप्लीकेशन कंट्रोल जो है अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सके। जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या देखो पढ़ो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स विच आर रिलेटेड टू मेनी एप्लीकेशन एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, दे सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। डेटा सेंटर, अरे डेटा सेंटर तो बनाओगे, प्रोग्राम कब चेंज करना है, जब बग वगैरह होगा यानी एरर होगा, एक्सेस किसको कितना देना है, क्या सिक्योरिटी रखना है, सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड इंक्रिप्शन क्या रहेगा, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जो तुम सॉफ्टवेयर रहेगा वो सॉफ्टवेयर अक्वायर करोगे यानी खरीदोगे बाजार से कि खुद से डेवलप करोगे, और उसको मेंटेन कैसे करोगे, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा ना, तो सॉफ्टवेयर बाजार से खरीदोगे यानी एक्विजिशन करोगे कि खुद से इनहाउस डेवलपमेंट करोगे, और उसके बाद मेंटेन कैसे करोगे, अपग्रेड कैसे करोगे। तो जनरल आईटी कंट्रोल का डेफिनेशन मेरे को बताओ, दीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, these are policies and procedures related to many applications and support the effective functioning of the application control, matlab general id control kya ho gaya, policy and procedure ho gaya which supports the effective functioning of the application id control, iske andar data center kaisa rakhna hai, networking kaisa rakhna hai, data center kaisa rakhna hai, networking kaisa rakhna hai, aapka jo application usko acquire karna hai, develop karna, maintain karna hai kaise, access security program chahiye, sab ke bare mein sochna, application control, application control ab execute kaise karna hai, कितना आपका मैनुअल कंट्रोल रहेगा, कितना सॉफ्टवेयर कंट्रोल रहेगा, मतलब कितना प्रोसेसेस आप ऑटोमेटिक बनाओगे और कितना प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस आप मैनुअली करोगे। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल, दैट ऑपरेट्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल, दैट ऑपरेट्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोलर इंबेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशन, ऑब्वियस बात है ये सब आईटी एप्लीकेशन के अंदर घुसा हुआ रहता है, जैसे ईआरपी वगैरह, ठीक है, और कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा का ध्यान रखना है, डेटा आपका क्या रहना चाहिए, कंप्लीट एक्यूरेट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, कि गलत डेटा ना हो, सब बोलेंगे हाँ बेटा तो कोई उपाय नहीं है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल में आ जाओ, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, आईटी के ऊपर डिपेंड जो कंट्रोल रहता है वो तो मैनुअली रहेगा, अरे आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल ऐसा कंट्रोल जो आईटी को डिपेंड करता है, तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स that make use of some form of data or information or report produced from IT system. ये manual control है, जो इंसान लोग काम करेगा, report generate करके, report कहाँ से generate करेगा, IT system से. Data, information, report produced from IT system. Manual control which makes use of data, information, report produced from IT system. Even though control is performed manually, IT dependent control तो हम लोग manually perform कर रहे हैं, लेकिन the design and effectiveness of such control depends on the reliability of the source data. ये control manual control है, but कितना effective होगा, ये depend करता है source data कहाँ से आ रहा है? आईडी से, सोर्स डेटा आईडी से आ रहा है, तो अच्छा होगा तो ये भी अच्छा होगा, वो अगर खराब तो ये भी खराब।
due to inherent dependency on IT, the effectiveness and reliability of automated application control and IT-dependent control require general IT control to be effective. Application or IT-related control to be effective, when general IT control is effective. General IT control is bad, then both of them are bad. Clear, sir. चल बेटा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल उसका एडवांटेज पढ़ ले इंटरनल कंट्रोल का एडवांटेज ही है पढ़ो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए क्यों स्ट्रांग होना चाहिए पढ़ो खुद से अरे पढ़ो भाई शर्मा अरे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का बेशर्म तुमको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने बोला था रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो जाता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑपरेशन कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड पीडीसी प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन ऑफ फ्रॉड्स और आरएमएम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग पढ़ रखे हैं इट हैज प्लेस्ड अ ग्रेट एम्फेसिस कंपनीज एक्ट 2013 हैज प्लेस्ड अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स फॉर कंपनी सेक्शन 134 में पढ़ रखे हो क्या था सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट था बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 में था ना बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाया है कि नहीं लिस्टेड कंपनी के लिए डीआरएस डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट नोट्स निकालो लोका डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट का 5वां नंबर पॉइंट में था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाया है ना लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल था खाली वो भी लिखवाए थे देखो जाकर के नोट्स डीआरएस में सेक्शन 134 का सबसेक्शन 5 डीआरएस था डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा कंटेंट आता है उसके अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट भी आता है और उसका पांचवा जो पॉइंट था उसके अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में था लिस्टेड कंपनी के लिए खाली लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल और बीओडी का जिम्मेदारी है ठीक है फिर सेम पॉइंट रिपीट हो रही है नॉट रिक्वायर्ड सेक्शन 149 ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हारे फाइनल में लॉ में है बट भी याद रखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग का भी ये जिम्मेदारी रहता है कि चेक करेगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ठीक है ना और सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी भी तो चेक करेगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आई बेशर्मो गांजाओ ऑडिट में पढ़ रखे हो आई फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोलकर याद कर रहे थे सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 वही वाला है जिसमें बहुत सारा पॉइंट 143 सबसेक्शन 3 में ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑडिटर को रिपोर्ट लिखना पड़ता है जो इंफॉर्मेशन पाना था पा लिया ना क्लाइंट को जो बुक्स बनाना था बना लिया ना बुक्स के हिसाब से पीएल बैलेंस शीट बनाया ना भाई पीएल बैलेंस शीट में एएस फॉलो किया है ना याद आया कि नहीं सच बताओ उसी में क्लॉज नंबर आई था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्लाइंट ने बनाया कि नहीं सम पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जब ऑडिटर चेक करेगा तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो चेक करना है कोई वीकनेस है क्या आईटी कंट्रोल में कोई वीकनेस है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल में कोई वीकनेस है भाई कोई वीकनेस है आईटी कंट्रोल में और अगर वीकनेस है तो इसका इंपैक्ट क्या ऑन ओवरऑल ऑडिट इज देयर एनी वीकनेस ऑन आईटी कंट्रोल इज देयर एनी वीकनेस ऑन आईटी कंट्रोल इज देयर एनी वीकनेस इन आईटी कंट्रोल एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द वीकनेस ऑन ओवरऑल ऑडिट और अगर वीकनेस है तो डेफिशिएंसीज जो है ना मैनेजमेंट को बताओ रिपोर्ट द डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट और अगर इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है ना पहला डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट के ऊपर कौन है टीसीडब्ल्यूजी उसको राइटिंग में बताओ कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू टीसीडब्ल्यूजी Thank you.
बस इतना, ये फ्लो चार्ट जो है ये चार पॉइंट का ही है, तो फ्लो चार्ट नहीं करना, खाली चार पॉइंट दिमाग रखना। और इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर सुन लो, पहले पढ़ने का मौका दे रहे हैं 10 मिनट, फिर हम डिस्कस करेंगे। आज का क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, 50 मिनट में खत्म हो जाएगा। तुमको 10 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट्स, गिविंग यू 10 मिनट्स। क्या करोगे 10 मिनट्स में? अच्छे से पढ़ो, कुछ सारा क्वेश्चन कर लो, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जिनमें बच्चे हैं, 10 मिनट में सारा का सारा क्वेश्चन आंसर से रिवाइज करेंगे।
आइए 10 मिनट में खत्म करते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 6 to 7 minutes एंड द चैप्टर इज ओवर।
सारे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। अरे नहीं भाई, ये डिपेंड करेगा क्या प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हो। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना हद तक ऑटोमेशन है, ये भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ ऑटोमेशन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या यार
यूज कर रहे हो. ऑडिटर शुड प्लान रिस्पॉन्स टू ऑल द आईटी रिस्क. All the IT risk, computer चोरी हो गया उसका भी risk, relevant IT risk related to audit.
ITSs which are relevant to financial reporting and not all IT risk. General IT control support the functioning of application control. Yes, general IT control is the policy.